धन्यवाद गुरु राम जी का हार्दिक धन्यवाद। साथी ने काफी सारी चीजें बदलाव टीम के बारे में कही, इनका जो है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे सामने बैठे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, युवा साथियों, सभी को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती की मैं जो है हार्दिक बधाई आप सभी को देना चाहता हूं। साथियों, आपके गांव में आने के बाद जो है एक बहुत ही अच्छी एनर्जी जो है सभी साथियों को मिल रही है, और खासकर जितने छोटे बच्चे जो है बाबा साहब को लेके और अपने अन्य महापुरुषों को लेके जो है जानकारियां जो दे रहे हैं वो एक बड़ा ही गौरव का विषय है। आमतौर पे हम देखते हैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे जब एक्ट करते हैं तो मैक्सिमम एक्ट उनके जो है अन्य जो अपने कल्चर में बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं उनके ऊपर होती हैं, जो कि उन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज के समय में हमारा जो भला है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से हो सकता है, जो कि आपके गांव की मेहनत कहिए कि करीबन 80-85 बच्चे आप लोगों ने आज इस परफॉर्मेंस के लिए तैयार किए हैं। और मैं छोटी सी माफी भी आपसे चाहूँगा कि प्रोग्राम में हम एक इवेंट भी आपके गांव से जो है करवा पाए, क्योंकि टीमें जो है बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप लोगों ने मेहनत बहुत ज़्यादा की है और उसके वो मेहनत आप लोगों की जो है सामने दिख रही है। और एक विषय पर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियाँ जो है मनाते हैं, आज भी जो है जगह जगह के जो है इस पर जो है प्रोग्राम हो रहे हैं, कई जगह वैचारिक प्रोग्राम हो रहे हैं, कई जगह पे जो है कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, कई जगह पे जो है लोग प्रसाद जो है बना रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो मेरी लाइब्रेरी टीम से गुजारिश है कि जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या हमारी टीम के साथी हैं वो जरूर कोशिश करें कि वो बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है हम उनको पूर्ण रूप से जान नहीं पाएंगे। सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से ही बात नहीं बनेगी। अब साथियों, हम देखते हैं कि बदलाव टीम के जितने भी साथी क्यों ज़्यादा फील्ड में काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा जो है वो काम करती है, वो बाबा साहब से प्रेरित है, उनके विचारों से प्रेरित है, इसलिए रात दिन बिना थके जो है टीम लगी रहती है। और अभी 9 अप्रैल को आपने देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुआयामी प्रशिक्षण संस्थान जो है आप सभी बच्चों के लिए तैयार है। और अभी जून महीने में मैं लाइब्रेरी टीम से गुजारिश करूंगा 8वीं क्लास के वो बच्चे जो इस टाइम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 8वीं क्लास के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरा महीना 1 जून से लेकर 30 जून तक सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है 1 या 1.5 से लेकर 2 बजे तक आपकी कोचिंग उसमें होगी, जिसमें NMMS और बुनियाद। NMMS एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक बच्चा या तो नौकरी के लिए ही जो है पढ़ता है जब वो रीजनिंग और इस तरह की चीज़ों की तैयारियां करता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा वो बच्चा 8वीं क्लास में ही वो सारी जानकारियां जो है प्राप्त कर ले, और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप सभी बच्चों को है 48,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो दूसरा एग्जाम है बुनियाद, जिसमें हमारे बच्चे जो है IIT NEET की जो है 9वीं क्लास से ही जो है तैयारी शुरू कर देंगे, तो मेरी गुजारिश है आप इन सभी बच्चों के मदर फादर्स के जो है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर नोट कर लें और वो जानकारी हमें 1 से 2 दिन तक या 3 दिन तक जो है प्रोवाइड करवा दें। तो साथियों, आज बाबा साहब की जो जयंती मना रहे हैं, इन जयंतियों को मनाने का जो है मकसद तभी हल होगा जब हमारा पूरा समाज जो है शिक्षित हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, हमें अपने महापुरुषों को भी पढ़ना जो है पड़ेगा, और जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे तो हमें उनका जो है गौरवशाली इतिहास पता लगेगा कि उन्होंने हमारे समाज के लिए कितना कुछ किया। हमेशा हमारे समाज में हम देखते हैं हमारे लोगों की, हमारे कर्मचारियों के प्रति बहुत बड़ी नाराजगी होती है कि ये हमारे समाज के लिए कुछ नहीं करते, शहरों में जाके कोठियां बना लेते हैं। लेकिन मैं आपके गांव में देख रहा हूं कि एक लंबी लिस्ट आपके सामने आपने लगा रखी है और ये साथी रात दिन आपके साथ खड़े रहते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ
पूरी की पूरी मैनेजमेंट में इन लोगों का हाथ है, ये आपके साथ खड़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि समाज का ये वर्ग जब कामयाब होने के बाद हमारे हमारे साथ खड़ा रहता है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे समाज में एक शिक्षा के स्तर में जो है अच्छा खासा जो है सुधार आएगा। तो मैं पुस्तकालय की टीम से गुजारिश करूंगा कि एक तो जो लाइब्रेरी चला रहे हैं वो अच्छे तरीके से चलाएं, उसके अलावा जो कैथल इंस्टीट्यूट बन रहा है उसमें भी उसका जितना अच्छा जो है यूज हम कर सकते हैं वो भी आप करवाएं। और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो आप हर साल जो ये आयोजन करते हैं इसके लिए आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप वो चीज़ कर पा रहे हैं जो कोई भी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो छोटे बच्चों में अपने महापुरुषों से जुड़ी जानकारियाँ आपके सामने देखिए बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो अपनी बातें रख रहे हैं। तो अपनी बात को लंबाना खींचता हुआ पुनः मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्मदिवस की आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख के जिंदगी में कामयाब बने और बाबा साहब और अपने अन्य महापुरुषों के सपनों को जो है पूरा करें। और पीर बदलाव के साथ भी जो है आप लोगों का जुड़ाव रहेगा, हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। और अगले साल आपसे गुजारिश करेंगे जब भी बदलाव टीम कोई अच्छा जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी उसमें आप लोगों की जो है एक से दो प्रस्तुतियाँ हम करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।